नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मदन धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम ग्रंथियों को पढ़ रहे थे और हमारी कुछ ग्रंथियां हो चुकी थी। आज की इस क्लास में हम पीनियल ग्रंथि को पढ़ेंगे। पीनियल ग्रंथि के बाद हम पढ़ेंगे एड्रेनलिन ग्रंथि को। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज की इस क्लास की। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूरी से ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। और इसे पीनियल काइव के नाम से भी जाना जाता है, पीनियल काय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके और क्या नाम हो सकते हैं। इसे सेरिब्रो एपिफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, सेरिब्रो एपिफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और बात कर लेते हैं काम की। दोस्तों, यह एक मतलब इसे बोल सकते हैं यह इसे शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। इसे शरीर की जैविक घड़ी, जैविक घड़ी का मतलब होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे उठने का समय, सोने का समय और किसी पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर समय पर करने का समय निर्धारित होता है और वह हमें सारी चीज़ें उसी समय याद आ जाती है, तो इसका मतलब ये कि हमारे दिमाग में एक ऐसा रिमाइंडर सेट होता है जिसे समय समय पर जो हमें याद करवाता है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? हमारी दिनचर्या को कंट्रोल कौन करता है? तो हमारी दिनचर्या को कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। दूसरी बात कर सकते हैं, यह दिनचर्या को कंट्रोल करती है, दिनचर्या को नियंत्रित करती है, ठीक है दोस्तों। दिनचर्या की बात हम बात करें, यह लैंगिक विकास को नियंत्रित करती है, यह लैंगिक विकास को नियंत्रित करती है। दोस्तों, लैंगिक विकास को नियंत्रित करना मतलब आप कब बड़े हो रहे, कब जवान हो रहे, कब बूढ़ा हो रहे, तो ये सारी चीज़ें भी आप में लैंगिक परिपक्वता कब आ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल कौन कर रख रहा है? दोस्तों, आपकी पीनियल ग्रंथि ही कंट्रोल करके रखती है। आपकी दिनचर्या को भी कोई कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनियल ग्रंथि। दूसरी बात, अगली बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं में मासिक चक्र जो होता है उसका भी कंट्रोल किसके पास होता है? पीनियल ग्रंथि के पास ही होता है। महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करती है। महिलाओं में मासिक चक्र को कौन नियंत्रित करती है? पीनियल ग्रंथि ही करती है। तो कुछ कार्य हमने पढ़ लिए, जैसे कि यह शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, और यह दिनचर्या को नियंत्रित करती है, यह लैंगिक विकास को नियंत्रित करती है, यह महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, और हम बात कर सकते हैं, यह सोने व उठने की क्रिया को भी नियंत्रित करती है। इसका मतलब ये कि आपकी जो डेली रूटीन की वर्किंग होती है, आप कितना बजे सोते हो, कितना बजे आपको नींद आ जाता है, कितना बजे आप पढ़ाई करते हो, ये सारी चीज़ें जो फिक्स होती है, जो पर डे हमारी होती है, तो इसका कंट्रोल किसके पास होता है? पीनियल ग्रंथि के पास ही होता है। किसके पास होता है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि के पास ही होता है। ठीक है, अगला काम देखें तो यह त्वचा के रंग को भी निर्धारित करती है। यह त्वचा के रंग को भी नियंत्रित करती है। तो आपके शरीर में देखा होगा जो त्वचा का रंग होता है, मिलेनिन पिगमेंट, त्वचा में एक वर्णक होता है मिलेनिन पिगमेंट यानी मिलेनिन वर्णक, जिसकी वजह से आपके त्वचा का रंग गोरा सांवला
है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो यह त्वचा के रंग को भी नियंत्रित करती है, करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों इसके अतिरिक्त और बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से आता है कि जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता जल्दी क्यों आ जाती है? तो उसकी कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मैं एक बात और बताना भूल गया यहाँ पर, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो कम प्रकाश में या अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रावित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। तो उस परिस्थिति में मेलेटोनिन हार्मोन्स ज़्यादा स्त्रावित होता है और इसी मेलेटोनिन हार्मोन्स की वजह से जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ठीक है चलिए, तो यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, यहाँ से जो हार्मोन्स स्त्रावित होता है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन्स, मेलेटोनिन हार्मोन्स, मेलेटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, और इसी मेलेटोनिन हार्मोन्स की वजह से जन्म से अंधे बच्चों में, जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। चलिए अब इसके बाद, एक समय के बाद इसका जो पीनियल ग्रंथि का जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक और शब्द इसके लिए यूज़ किया जाता है, पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, है ना, सैंड ब्रेन। यानी मस्तिष्क की रेत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोल देना कि सर पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं आपकी एग्जाम में इस पीनियल ग्रंथि से। अगर इसका साइज देखो, इसका वजन देखोगे तो इसका वजन होता है 173 मिलीग्राम होता है, आजकल जब इंटरनेट पे आप सर्च करते हो कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, परंतु क्या होता है कि सबसे छोटी ग्रंथि के नाम पर हम मास्टर ग्रंथि को ही लगाते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही लगाते हैं, क्योंकि कई बार इसे ग्रंथि माना ही नहीं जाता है। कई बार इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है पीनियल का, यानी पीनियल एक शरीर में छोटा सा हिस्सा माना जाता है इसे, है ना। कई बार हम मानते हैं ग्रंथि, कई बार नहीं मानते, क्योंकि अगर पीयूष ग्रंथि का वजन देखो आप, पीयूष ग्रंथि का अगर आप वजन देखोगे तो यहाँ से लगभग आता आपका 500 से 600 मिलीग्राम आता है, मिलीग्राम आता है। यानी इसका वजन आप मिलीग्राम में देखोगे तो ये, अगर ग्राम में देखोगे तो 0.5 से 0.6 ग्राम आता है। ठीक है, तो लगभग इससे बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी हम सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसको पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। ठीक है चलिए, इतनी जानकारी आपको पीनियल ग्रंथि से मिलती है। अब हम बात करते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड अधिवर्क ग्रंथि की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको यहाँ पर पीनियल ग्रंथि की लोकेशन भी दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आपको इस चित्र में पीनियल ग्रंथि की लोकेशन भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर स्थित होती है आपकी पीनियल ग्रंथि। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर स्थित होती है। जैसे मैं यहाँ थोड़ी सी किडनी बना देता हूँ, ठीक है, या फिर आप लोकेशन में एक फोटो आपको दिख जाएगा, देखना। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड का फोटो देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये जो ऊपर स्थित है, ये संरचना आपको क्या दिखाई दे रही है, जो ऊपर स्थित है यही एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है। दो किडनी होती है तो दोनों के ऊपर संख्या में एक एक होती है। इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है, दो होती है। तो हम अगर बात करें संख्या की, तो संख्या कितनी होती है, दो होती है। स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो आप बताओगे किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर
होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए किडनी के ऊपर स्थित होती है। उसके बाद बात करें, इसे फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। फोरेस ग्रंथि, इसे हम किस नाम से जानते हैं? फोरेस ग्रंथि भी बोला जाता है। और फोरेस ग्रंथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सुगर, क्योंकि यह सुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, ठीक है, और हमारी लास्ट में सेक्स, इन सबको जो कंट्रोल करके रखता है वो हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रेनल ग्लैंड होती है। तो एड्रेनल ग्लैंड की संख्या दो होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, और एड्रेनल ग्लैंड को फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, इन हार्मोन्स, इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसकी संख्या की, अगर इसकी संख्या की नहीं सर, इसके भाग की बात करते हैं, तो इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग बाहरी भाग होता है, उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। जो आंतरिक भाग होता है उसे कहा जाता है मेडुला, है ना। कॉर्टेक्स से यानी बाहरी भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है, ठीक है। और ये मध्यांश यानी अंदर वाला भाग होता है, ये मध्यांश होता है, ठीक है दोस्तों। कॉर्टेक्स भाग से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो पहला हार्मोन से आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ये शरीर में ग्लूकोज के लेवल को या ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स ये संतुलन बनाए रखता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। और इसका एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कार्टिसोल। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कार्टिसोल। चलिए दूसरी बात कर सकते हैं आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद आता है मिनरलो, कार्टिकॉइड हार्मोन्स, कार्टिकोएड हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन्स कौन सा आपका? मिनरलो कार्टिकॉइड हार्मोन्स। ये मिनरल्स की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य करता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका एल्डिस्टेरिन। क्या हो जाता है? एल्डिस्टेरिन, और तीसरी बात करें तो तीसरा हो जाता है आपका गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ठीक है। और इसका अन्य नाम है लिंग या जनन अंग, या लिंग संतुलक हार्मोन्स, संतुलक हार्मोन्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेक्स स्टेरॉइड, ठीक है दोस्तों। चलिए हिन की बात करते हैं। कॉर्टेक्स भाग सबसे बाहरी भाग होता है, इससे तीन हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, एग्जाम्पल हो गया आपका कार्टिसोल, जो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, यह एग्जाम्पल है एल्डिस्टेरिन, यह मिनरल्स की मात्रा को बैलेंस करता है। और तीसरा होता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, यह जननांग और लिंग संतुलक हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है सेक्स स्टेरॉइड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, अब इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता से रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की कमी से रोग, ठीक है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एडिसन रोग, और इसे कहा जाता है कांस्य वर्णता। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कांस्य वर्णता। दोस्तों जो शरीर होता है वो कांस्य के टाइप का होता है, कांस्य कलर का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की कमी से, या इसकी कमी जब बॉडी में होती है तो कौन सा रोग होता है? एडिसन रोग होता है। अगर इसकी वृद्धि हो गई या अधिकता हो गई, हम क्या बोल सकते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स, है ना,
हार्मोन्स की अधिकता से, हार्मोन्स की अधिकता, यदि इस हार्मोन्स की शरीर में अधिकता हो गई तो भी रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो रोग हो जाते हैं, एक हो जाता है कांस और एक हो जाता है कुशिंग। दो रोग हो सकते हैं, कांस और कुशिंग। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कांस रोग किसके कारण होता है या कुशिंग रोग किसके कारण होता है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की शरीर में अधिकता के कारण ये होता है, कांस और कुशिंग रोग। तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम की कमी आ जाती है। क्या जाती है? कमी आ जाती है। और सोडियम और पोटेशियम की कमी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियाँ होती है उसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और कुशिंग में क्या होता है, यहाँ पर कुशिंग रोग में सोडियम और पोटेशियम की वृद्धि हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की क्या हो जाती है, शरीर में ब्लड में वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है। तो यहाँ मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है और यहाँ मांसपेशियों में क्या हो जाता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की कमी से एडिसन रोग होता है और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, कांस और कुशिंग। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन्स। अब हम चलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स के ऊपर। और एड्रेनलिन हार्मोन्स एड्रेनल ग्रंथि के जिस भाग से निकलता है वो नाम है मेडुला। अब चलते हैं मेडुला के ऊपर। मेडुला हेडिंग डालेंगे, मेडुला यानी मध्यांश। मेडुला दोस्तों, मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? दो प्रकार के हार्मोन्स आपके यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों के कार्य समान होते हैं। एक हार्मोन्स होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरा हार्मोन्स निकलता है उसे बोल सकते हैं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम का होता है। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तब ये हार्मोन्स निकलता है, तब ये हार्मोन्स निकलता है। तो किस स्थिति में निकलेगा, तनाव की स्थिति में निकलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तनाव की स्थिति में, तनाव की स्थिति में निकलता है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाली स्थिति में होते हो तब ये निकलता है, तनाव की स्थिति में या स्ट्रेस की स्थिति में ये निकलता है। और स्ट्रेस की स्थिति में निकलता है, ठीक है। पहली बात, इसे ही कहते हैं डर नियंत्रक हार्मोन्स, डर नियंत्रक, ठीक है। डर नियंत्रक यानी डर से बचाता है आपको। डर के बाद आता है तनाव नियंत्रक, तनाव नियंत्रक, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे डर नियंत्रक बोलते हैं, तनाव नियंत्रक बोलते हैं। इसे बोला जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स, लड़ो उड़ो हार्मोन्स। इसे कहा जाता है करो या मरो हार्मोन्स, करो या मरो हार्मोन्स। इसे ही कहा जाता है संकट मोचक हार्मोन्स, संकट मोचक हार्मोन्स, संकट मोचक हार्मोन, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ नाम हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स कब निकलता है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति में होते हो, तनाव की स्थिति में होते हो, स्ट्रेस की स्थिति में होते हो, तब इसका सिक्रेशन निकलता है। और ये क्या करता है कि ये डर को कंट्रोल करता है, टेंशन को कंट्रोल करता है। लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, करो या मरो के नाम से जाना जाता है, और संकट मोचक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाली स्थिति में होते हो ना, तब इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। चलिए, अब इसके लक्षण क्या क्या है, जब ये शरीर में निकलता है तो हमारे शरीर में कौन कौन सी घटना घटती है, तो अब एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है तो उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षण क्या है, तो पहली बात हो गई शरीर में कपकपी आने लगती है, कपकपी आने लगती है। दूसरा होता है जो रोए होते हैं, रोंगटे जिसे बोलते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े
हो जाते हैं, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चौथी बात, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट कैसी हो जाती है, तेज या फास्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी सारी परिस्थिति हो सकती है। और नॉरएड्रेनालिन में भी क्या होता है, तो नॉरएड्रेनालिन में भी आपका ब्लड हाई हो सकता है, पसीना आ सकता है, यहाँ पर स्ट्रेस में पसीना भी आ सकता है, ठीक है, पसीना आता है, स्ट्रेस की मतलब यहाँ पर भी ब्लड हाई होता है, हार्ट बीट रेट तेज होती है। तो ये सारे कार्य एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलने वाले एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन के द्वारा किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एड्रेनालिन जो ग्लैंड है यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों, एड्रेनालिन ग्लैंड यहाँ से ख़त्म होता है पूरी तरीके से। चलिए, तो अगली ग्लैंड जो रहेगी हमारी पीयूष ग्रंथि, उसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। तो अभी समय हो गया है आप सभी लोगों से विदाई लेने का, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।